आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूँ आपके साथ मेघा जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना अंतर्गत टेक्नो मोटर्स के पास एक दुर्घटना में घायल गणेश पुत्र द्वितीय आहारी उम्र 35 साल निवासी ओडवाड़ा अर्थुना को 108 एम्बुलेंस सागवाड़ा ने मौके पर पहुंचकर राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर होने की वजह से डॉक्टर ने उच्च चिकित्सा संस्थान को रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि घायल गणेश आहारी सागवाड़ा में किसी शादी समारोह में बारात में आया हुआ था। इस दौरान घायल अवस्था में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन के मरीजन ने अस्पताल कर्मियों के साथ भी अभद्रता की। वहीं रेफर करने की स्थिति में 108 एम्बुलेंस चालक और पीएमटी के साथ भी अभद्रता की। हाथापाई पर उतर आए मामले में जानकारी मिली कि 108 एम्बुलेंस में घायल के साथ 8 से 10 लोग जाने के लिए तैयार हो गए थे। पायलट ने ज्यादा लोगों के साथ जाने से इनकार किया। इस बात को लेकर 108 एम्बुलेंस स्टाफ और परिजनों के बीच बहस हो गई। परिजनों ने 108 एम्बुलेंस चालक और ईएमटी के साथ हाथापाई करने की कोशिश भी की। इस दौरान अस्पताल के बाहर टैक्सी स्टैंड पर मौजूद चालकों ने बीच बचाव कर एम्बुलेंस स्टाफ को मरीज को लेकर रवाना किया गया। जो अभी ये घटना घटी 108 वाले के साथ में, जो उसको दारू पी के गिर गए, वो एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद में अगर ये ड्राइवर के साथ में बदतमीजी करते, दारू पी के गिर जाते और हॉस्पिटल आके ड्राइवर से और डॉक्टर से बदतमीजी करते, उसके जिम्मेदार वो है, या इनसे कार्रवाई की जाए इनके ऊपर, या नहीं की जाए तो फिर इनको खुला छोड़ दिया जाए, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे उसकी। क्या घटना क्या हुई थी? घटना ये हुई, एक्सीडेंट आया, 108 वाला लेके जा रहा है, 108 वाले ने दारू थोड़ी पिलाया था उसको, 108 वाले दारू भी नहीं पिलाएगा, 108 वाले लेके जा रहा था उसको पिला के भी जा रहा। उसके बाद में मालीवाड़ जी को, मेरी बात सुनो, मालीवाड़ जी की फेर पकड़ ली इन लोगों ने, ठीक है ना, नशे में। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ बोलो ना। अस्पताल में 108 एम्बुलेंस लेकर पेशेंट को आई, पेशेंट को लेके आई, पेशेंट को रेफर किया, रेफर किया, किस बात को लेकर इनके यहाँ पर विवाद हुआ था? विवाद ये हुआ कि ये मर रहा नहीं चाहिए, तो मर रहा नहीं चाहिए तो उसके हाथ में थोड़ी है 108 के हाथ में, उसका काम है कि वहां से लेके आया ये, यहाँ से डूंगरपुर ले गया, दो जने बैठाने के अलावा, दो जने बैठाने के अलावा उसने दो जने ले जा रहा था, तो वो चार जने साथ में जाएंगे करके विवाद हुआ है। फिर विवाद होने के बाद क्या किया? विवाद होने के बाद में वो जो ड्राइवर है मालीवाड़ जी, उनकी फेट पकड़ ली उन लोगों ने, हजार भी आ गए, वो तो ठीक है, हम ड्राइवर बाहर खड़े थे, हम आ गए यहाँ पे, उसके बाद में उस पेशेंट को रेफर किया हमने। हम यहाँ हॉस्पिटल के स्टाफ नहीं है, हम सारे टैक्सी स्टेशन वाले हैं, हम टैक्सी ड्राइवर है। हमने यहाँ देखा कि भाई 108 वाले ड्राइवर के साथ बदतमीजी की जा रही थी, उसके साथ फेटाफेटी की जा रही थी, तो हमने पूछने पे हमको पता चला कि भाई अटेंडेंट की बात है, जो सरकार ने गाड़ी के अंदर केवल एक मरीज और उसके साथ दो अटेंडेंट का अलाउड कर रखा है। अब वो 10 जने थे, तो वो ड्राइवर कह रहा था कि आप 10 जने बैठोगे तो मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा। उस बात को लेकर उनका हलचल हो गई, फिर वो मारामारी करने पे चले गए, ड्राइवर को 2 लात भी मार दी। तो ऐसी घटना 108 ड्राइवर, मतलब हमारा कहने का मतलब किसी भी ड्राइवर के साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इस बारे में प्रशासन को ऑब्जेक्शन लेना चाहिए और ये ड्राइवर की सहयोग करो उनकी। अभी वो पेशेंट लेके गए हैं या क्या हुआ? अभी पेशेंट रेफर हो गया डूंगरपुर के लिए, उसी एम्बुलेंस में लेके गए हैं, वो पेशेंट रेफर हो गया वहाँ पे।